क्वांटम, यानी उसकी बंधन, उसकी संरचना आज हम इसके बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ईथर में बंधन की तुलना यदि जल एवं अल्कोहल से करें तो इसकी संरचना को हम आसानी से समझ सकते हैं। यानी टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर वन शुड एक्चुअली कंपेयर इट विद अल्कोहल्स एंड वाटर। तो अगर हम जल और अल्कोहल और ईथर, इन तीनों में ही ऑक्सीजन परमाणु की संकरित अवस्था देखें तो इसमें जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp3 होता है। तो आज हम डिटेल में विद स्ट्रक्चर्स इसकी बॉन्डिंग के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं ईथर्स। जल का पहले बंद कोण हम देखते हैं 104.5 डिग्री है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। sp3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो लोन पेयर उपस्थित हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और जब भी हम संकरित कक्षाओं की संख्या देखते हैं तो कितने सिग्मा बंद वह बना रहा है और कितने लोन पेयर उसमें उपस्थित हैं, उसका टोटल सम अगर हम लेते हैं तो वो हमें संकरित कक्षकों की संख्या बताता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर तो दो सिग्मा बंद बन रहे हैं जो कि दो हाइड्रोजन से हैं, और यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, एक येरा और ये दूसरा, तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें उपस्थित हैं, संकरित कक्षक हैं। यानी इसकी जो संकरित अवस्था होगी वो sp3 होगी। नाउ लेट अस सी फॉर एल्कोहल। एल्कोहल में हम देख सकते हैं वही सिग्मा बंद, यहाँ पे इधर भी वही सिग्मा बंद, और ऑक्सीजन पे यहाँ पर एक लोन पे ये लोन पेयर है, इधर भी एक ऐसे लोन पेयर है, तो यहाँ पर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल उपस्थित होंगे इन द केस ऑफ मीथेनॉल। ये जो यहाँ पर हमने लिया एल्कोहल, ये मीथेनॉल है क्योंकि CH3 उपस्थित है, और इसमें जो मीथेनॉल में कोण है, एंगल है, दैट इज 108.5 डिग्रीज। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ COC बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर्स। संकरित अवस्था तो sp3 ही है, और ईथर में COC बॉन्ड कोण एल्किल समूहों के वैन डर वाल प्रतिकर्षण के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। देयर इज अ वैन डर वाल रिपल्शन हियर। डाइमेथिल ईथर में COC बंद कोण लगभग 112 डिग्री होता है, जबकि अगर हम इसमें दूसरा स्ट्रक्चर देखें टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन है इस पर 3 मिथाइल ग्रुप उपस्थित हैं और ये टर्शरी ब्यूटाइल है, यानी इट इज इन दिस फॉर्म, और ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से।
इसमें 132 डिग्री कोण होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन परमाणु पर एल्किल समूहों का आकार बढ़ने पर COC बॉन्ड कोण बढ़ जाता है। आई एम रिपीटिंग, व्हेन द एल्किल ग्रुप्स साइज इंक्रीजेज द COC बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि एल्किल समूहों के मध्य वैन डर वाल रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज एल्किल ग्रुप्स के मध्य वैन डर वाल प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। ईथर में हम स्ट्रक्चर्स में यहाँ देख लिया है हमने कि जल में 104.5 डिग्री, मीथेनॉल में 108.5 डिग्री, डाईमेथिल ईथर में 112 डिग्री और डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर यानी डाई तृतीयक ब्यूटिल ईथर में 132 डिग्री होता है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ता जा रहा है, एंगल भी बढ़ता जा रहा है। नाउ ईथर में कार्बन ऑक्सीजन की जो बंध लंबाई है, कार्बन ऑक्सीजन की जो बंध लंबाई है वो कार्बन कार्बन की एकल बंध लंबाई की अपेक्षा छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो अपने तरफ बॉन्ड को खींच के रखेगा तो साइज छोटी होगी। डाईमेथिल ईथर में CO बंध लंबाई 1.41, डाईमिथाइल ईथर CH3O CH3 के अंदर जो CO की बंध लंबाई है वो होती है 1.41 एंगस्ट्रॉम, जबकि मीथेनॉल में 1.42 वो बढ़ गई इसमें, जो कि कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.54 से कम होती है। ये जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कह सकते हैं कि ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई की अपेक्षा छोटी होती है।